मुकेश अंबानी की विशाल काय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कल शेयर बाजार में तहलका मचा दिया था। अंबानी के एक फैसले ने बाजार में रिलायंस के शेयरों का पूरा गेम ही बदल दिया था। इस वजह से रिलायंस का शेयर अपने 52 वीक हाई पर ट्रेड करने लगा। अब इसके पीछे की वजह तो आप जानते ही होंगे। अब नई खबर ब्रोकरेज हाउस से जुड़ी हुई है, यानी रिलायंस पर ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट क्या कहती है ये जान लेते हैं। असल में टॉप ब्रोकरेज फर्म और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक ने शेयर बाजार के कुछ चुनिंदा शेयरों पर अपनी रेटिंग जारी की है। अब एक एक करके इनके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले मार्केट के दिग्गज यानी हेवीवेट रिलायंस की बात करते हैं। मार्केट के दिग्गज कंपनियों में शुमार रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक पर ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने खरीदारी करने की सलाह दी है। ब्रोकरेज फर्म ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक पर बाय की रेटिंग दी है। इनके मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर 2825 रुपए के भाव तक जा सकता है। ब्रोकरेज फर्म का रिलायंस इंडस्ट्रीज पर कहना है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के डी मर्जर की मंजूरी दे दी है, इस वजह से शेयरों में तेजी देखी जा सकती है। बता दें सोमवार को रिलायंस का शेयर 4% उछलकर 2735 रुपए पर क्लोज हुआ था। अब आइए दूसरे स्टॉक पर। दूसरा स्टॉक टाइटन है। मॉर्गन स्टैनली ने टाइटन कंपनी के स्टॉक पर इक्वल वेट की रेटिंग दी है। मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक टाइटन का शेयर आने वाले दिनों में 3207 रुपए का लेवल दिखा सकता है। मॉर्गन स्टैनली बैंक का मानना है कि गोल्ड की बढ़ती प्राइस डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन पर अपना प्रभाव छोड़ सकता है, जिस कारण से आने वाले कुछ तिमाही के दौरान बिजनेस ग्रोथ मोमेंटम में एक स्लोडाउन देखा जा सकता है। बता दें सोमवार को टाइटन का शेयर 3% गिरकर 3052 रुपए पर क्लोज हुआ था। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ के शेयर पर जेफरीज का क्या कहना है ये भी जान लेते हैं। टॉप ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ स्टॉक पर खरीदारी करने की सलाह दी है। जेफरीज ने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ के शेयर का टारगेट 700 रुपए तय किया है। ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि ग्रोथ में तेजी वैल्यूएशन के री रेटिंग में सहायता करती हुई दिख सकती है। बता दें सोमवार को आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ का शेयर 4% चढ़कर 597 रुपए पर क्लोज हुआ था। अब अगर आपको किसी भी शेयर में कोई भी पोजीशन लेना हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, बेस्ता।